आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। गाइज, आज हम देखेंगे बाबा का संदेश। सबसे पहले तो आपके मन में यदि कोई क्वेश्चन उठ रहे हैं, प्रश्न उठ रहे हैं, या किसी चीज का आंसर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप, मैं कोशिश करूंगी इन कार्ड के थ्रू, बाबा के कार्ड के थ्रू उन प्रश्नों के उत्तर देने की। आई होप आप लोग को रीडिंग पसंद आई हो आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। ओम गण गणपति आय नमः, ओम नमो नारायण, ओम साई नाथ आय नमः। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के जो भी प्रश्न है, जिन चीज़ों को लेकर आप कंफ्यूज रहते हैं या आपको डाउट है, तो आपको आपके उन प्रश्नों के उत्तर मिल जाए। अपने मन में क्वेश्चंस रखिएगा गाइस, या हो सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं हो उन प्रश्नों के भी उत्तर आपको मिल जाएंगे। पॉजिटिव रहिए गाइस, पॉजिटिव रहिए। अपने प्रश्नों को मन में रखिए। कर्म, शिक्षा, ध्यान, रंज और आनंद, विकास, एक कार्ड और लेते हैं, बुद्धि की ताकत। चलिए शुरू करते हैं गाइस हम रीडिंग। सबसे पहले तो करुणा गाइस, बहुत क्लियर बाबा का संदेश। हो सकता है आपके आसपास कोई भूखा जानवर हो, या देखिए स्ट्रीट वगैरह पे भी डॉग्स घूमते रहते हैं, या बिल्लियां हैं, या बर्ड्स हैं, तो उनको दाना डालिए, उन पे दया दिखाइए। बहुत लोग जो भूखे, देखिए भूखे जानवर जो रहते हैं, जो जिसको हम बोलते हैं ना अनबोलता, जो मुंह से बोल नहीं सकता है, वो सिर्फ आंखों से बोलता है और आपके पीछे पीछे घूमता है, उसको अगर आप कुछ खिला देते हैं तो ये ईश्वर की पूजा से बढ़ के होती है। ईश्वर की पूजा नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन उनका अगर पेट भर देते हैं, उनकी क्षुधा भर देते हैं आप, तो आप इतना जान जाइए कि भगवान की पूजा से भी बढ़ के वो काम आपने किया है। तो करुणा दिखाइए। अभी देखिए गर्मियां शुरू होने कई जगह तो हो ही गई हैं और कई जगह हो रही हैं, तो पानी रखिए, पक्षियों के लिए दाना डालिए, जो भूखे जानवर है जितना आपसे हो सकता है उनकी मदद कीजिए, खिलाइए उनको खाना वगैरह, क्योंकि ये बहुत क्लियर आया है कि करुणा दिखाइए, ममता दिखाइए। हो सकता है कई लोग ऐसे, कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, जिसे उनके पीछे कोई डॉग आ रहा है और वो भूखा है, वो कुछ खाने के लिए मांगने आ रहा है, उठा के उसे पत्थर मार दिया, उसको नुकसान पहुंचा दिया, ये नहीं करना है। उत्सव, खुशखबर उत्सव मनाने का समय आ गया है। ये उन लोगों के लिए हो सकता है, आप लोगों ने कहीं एडमिशन के लिए अप्लाई किया हो, या कोई ट्रेनिंग करना चाहते हो, या कुछ ऐसा काम करना चाहते हो, या आपका रिजल्ट आने वाला हो जिसका आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप जहाँ एडमिशन चाहते हैं वहाँ आपका हो जाएगा। अगर कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसमें भी पॉजिटिव है, हाँ में आंसर है, आपको जरूर उसमें पास हो जाएंगे, क्योंकि ये गुड न्यूज़ है। और हो सकता है, देखिए ये गुड न्यूज़ है सबके लिए, अलग अलग जनरल रीडिंग है, अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, क्योंकि हर कोई अपना अपने लिए अलग चीज का वेट कर रहा होगा ना, हर अलग, किसी ने कंपटीशन एग्जाम दिया होगा, स्टूडेंट को कहीं एडमिशन लेना होगा, आउट ऑफ कंट्री जाके हो सकता है उनको स्टडी करनी हो, तो सबका अपना अपना अलग अलग है, रीजन है, तो उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती है। हो सकता है कुछ लोगों को अभी बहुत परेशानी हो रही हो फिजिकली और मेंटली, तो बाबा का बहुत क्लियर कहना है। देखिए जब सोना को तपाया जाता है ना, किस जब कच्चा सोना होता है, जब उसको तपाया जाता है और फिर उसको जिस चीज में ढाला जाता है, या आप लॉकेट बना ले या रिंग्स बना ले, तब वो पहनने के काम आता है, राइट। ऐसा रख दिया हुआ सोना किसी काम का नहीं होता। वही बाबा का बहुत क्लियर
कहना है कि अभी अगर आपको परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही, हो सकता है फिजिकली हो, मेंटली हो, बिजनेस को लेके हो रहा, तो उसमें आपको कुछ सिखाया जा रहा है, उसको सीखिए, उसको समझिए, ये आपको तकलीफ क्यों दी जा रही है, यह आपको ये तकलीफ क्यों हो रही है, आप कहाँ गलती कर रहे हैं, आपको किसी चीज के सीख के लिए ये आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि हो सकता है एक ही गलती आप बार बार कर रहे हो, तो जब तक वो अपना पैटर्न ठीक नहीं करेंगे, वो सुधारेंगे नहीं, है ना, जब तक वो पैटर्न ठीक नहीं करेंगे, वही पैटर्न से गलतियां आप करते रहेंगे, दोहराते रहेंगे, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। इसीलिए आपको इतनी तकलीफ हो रही है, अपना पैटर्न चेंज कर दीजिए काम करने का। हो सकता है स्टडी के लिए प्रॉब्लम हो रही हो, बार बार आप वही पढ़ रहे हैं और भूल रहे हैं, तो अपना पढ़ने का तरीका चेंज करिए। हो सकता है कोई बिजनेस आप कर रहे हो, एक ही तरह से कर रहे हो, उसका पैटर्न चेंज करिए गाइस, क्योंकि यहाँ पे जो क्लियर संदेश है बाबा का, पीड़ा से गुजर कर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत बनती है। जो भी परेशानी आपको हो रही है, वो आपको अच्छे से सिखाने के लिए हो रही है। भरोसा और आस्था, आपको भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था होनी चाहिए। मैंने अभी आपको बताया था, शुरू में ही बोला था कि जो भी परेशानियां हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, अपनी पूजा, अपने विश्वास, अपने उस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और बिलीव रखिए कि मैंने ये काम गलत नहीं किया है, तो मेरे संग गलत पहली बार होगा नहीं। दूसरा, आप जो यदि कुछ लोग कुछ काम करना चाहते हैं, उनने बहुत मेहनत करी है दिन रात उस काम के लिए, उसको सक्सेस करने के लिए, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, लेकिन आपको ईश्वर पे बिलीव, ईश्वर पे भी विश्वास रखना होगा, भरोसा रखना होगा, और अपने ऊपर भी भरोसा बनाए रखें। वो जो भी काम है आपका जरूर होगा, अपना भरोसा डिगने मत दीजिएगा गाइस। कर्म, कर्म कार्य कारण है, भाव है सजा नहीं, बहुत क्लियर है। कुछ लोग काफी टाइम से किसी चीज को पाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत करिए, हो सकता है कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम देना हो सकता है कहीं जॉब आप जिस कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं, या कुछ बिजनेस ऐसा करना चाहते हैं, तो जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं उसमें अभी कमी है, उसमें अभी गाइस कमी है, और समझना होगा, और अच्छे से आपको पढ़ना होगा, और अच्छे से आपको ट्रेनिंग लेनी होगी, और मेहनत थोड़ा करना होगा, क्योंकि यहाँ कर्म का कार्ड आया, यानी कर्म आप ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो आप अच्छे से कर्म करिए, मेहनत करिए, अपना कॉन्सेंट्रेट अपने गोल पे बनाए रखिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। उदी की ताकत, मेरे द्वारा दी गई आपके सभी भावनिक तथा शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ करेगी। जो भी अभी आपको फिजिकली मेंटली प्रॉब्लम्स हो रही है गाइस, जो भी डिस्टरबेंस हो रहा, हो सकता है एंजाइटी वगैरह भी आप लोग को हो रही हो, तो बाबा का क्लियर संदेश है कि बाबा की जो उदी है उसको लीजिए, वो मेडिसिन का काम करेगी, और जो भी ये चीजें प्रॉब्लम्स आपको हो रही है वो सब खत्म हो जाएंगे। शिक्षा, जीवन पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। हो सकता है कुछ इसमें जो ज्यादा एज की लेडीजें हैं या जेंट्स हैं, वो कुछ करना चाहते हो, या हो सकता है कुछ हाउसवाइफ हो, 40 प्लस हो, वो ये सोच रहे हैं कि अब इस उम्र में हम जाके क्या काम करेंगे, तो आप वो काम करिए जो इतने सालों तक काम करके आपने एक्सपीरियंस लिया है। हो सकता है आपको कुछ ऐसा बनाना आता हो, हो सकता है किचन में कुछ ऐसा काम हो, उसको आ करके आप अपना कैरियर बना सकते हैं, अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि 40 प्लस वाले लोगों के लिए ही बोला जा रहा है, बहुत क्लियर इसमें लग रहा है। तो आपने जो भी अभी तक एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ से, हो सकता है आप बहुत अच्छे साइकोलॉजिकली किसी को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा होगा। हो सकता है आप पहले टीचर रहे हो, या अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं, तो और बच्चे लीजिए, आप ट्यूशन पढ़ाइए, है ना। हो सकता है जो लोग सोच रहे हैं कि अब हम 40 के हो गए, 45 के हो गए, अब क्या कैरियर बनाए, क्या करें, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप सोचिए आप में क्या गुण है, आप क्या कर सकते हैं, आपकी हॉबी क्या है,
वही पकड़ के आप काम करिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। ध्यान, मेडिटेशन की गाइस बहुत जरूरत है। कुछ लोगों को किसी चीज को लेके आप बहुत परेशान है तो प्रेयर करिए, प्रेयर बहुत क्लियर दिया हुआ है, जाप कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए तो मेडिटेशन हो सकता है। देखिए, मेडिटेशन अगर दिमाग बहुत डिस्टर्ब रहता है तो आप मेडिटेशन नहीं कर पाते, मेडिटेट नहीं कर पाते, दिमाग में बहुत हलचल मची रहती है, तो आप जाप कर सकते हैं, मंत्रास पढ़ सकते हैं, प्रेयर तो कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना तो आप कहीं भी बैठ के गाइस कर सकते हैं, ऑफिस में है 2 मिनट आपको टाइम मिला, ईश्वर से प्रार्थना कर ली, है ना। तो जब ये चीजें करेंगे आपके अंदर की नेगेटिविटी खत्म होगी और पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी। तो इस चीज का ध्यान रखिए, जो मेडिटेशन कर सकते हैं वो जरूर देखिए। पहले पहले प्रार्थना कीजिए, उसके बाद जाप करिए, फिर मेडिटेशन करिए। 100% आप फिर मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर शुरू फर्स्ट टाइम ही आप मेडिटेशन नहीं कर सकते तो पहले आप प्रेयर करिए, मन को शांत करिए, जाप करिए, मंत्र को मन को शांत करिए, उसके बाद मेडिटेशन करिए। रंज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हो सकता है कुछ लोगों को अभी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। अब प्रॉब्लम्स देखिए गाइस, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है। जैसे जनरल रीडिंग है मैंने बताया आपको, हो सकता है आपको किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही, किसी की फैमिली में प्रॉब्लम हो रही हो, किसी फ्रेंड सर्कल में प्रॉब्लम हो रही, कोई जहां रहता है वहां प्रॉब्लम हो रही होगी। तो ये जो भी परेशानियां हैं, देखिए लाइफ है तो खुशी और गम दोनों रहेंगे, राइट। लेकिन खुशी का टाइम ऐसा लगता है फट से गया और गम का कट ही नहीं रहा है समय, ऐसा नहीं है, दोनों बराबर ही होते हैं। दोनों के बाबा का बहुत क्लियर कहना है, दोनों सिक्के के दो पहलू हैं। ये जो प्रॉब्लम सभी आपको हो रही है टेम्परेरी है, समय के साथ ये खत्म हो जाएगी। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, इसीलिए मेडिटेशन का कार्ड आया है। पेशेंस रखिए, अपने आप को शांत करिए और अपने मन में बिलीव करिए कि हाँ, ये जो भी परेशानी आपके सर पे आई है ये टेम्परेरी है, ये खत्म हो जानी है। विकास, ईश्वर आपके माता पिता है जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयां देते हैं। देखिए कितना क्लियर है ये जो रंज और आनंद का, यानी आपको अभी परेशानी हो रही है, आप उस परेशानी, उस प्रॉब्लम, ये जो टेम्परेरी है, ये आपको सिखाने के लिए कुछ दी जा रही है। इसमें क्या पॉजिटिविटी है आप उसको निकालिए, इस दुख में से, इससे आपने क्या सीख ली, क्या ये काम आप वापस नहीं करेंगे, ताकि आगे लाइफ में जिस कारण से आपको परेशानी हो रही वो काम आप नहीं दोहराएंगे, ताकि आगे लाइफ में आपको तकलीफ ही नहीं हो, है ना। तो बहुत क्लियर बाबा का संदेश है कि आपके विकास के लिए, आपकी उन्नति के लिए ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई है। तो इस देखिए गाइस, हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो बेवजह नहीं होता, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। तो उस वजह को ढूंढिए। यदि किसी ने आप कोई से किसी से आपका रिलेशन बहुत अच्छा है और सडनली आपने सामने वाले से उम्मीद नहीं की थी कि ये आपको ऐसे बोलेगा, तो रीजन क्या है, उसकी वजह ढूंढिए, ना कि आप उस पर चिढ़ जाइए कि अरे हमें तो इसको सोचा था सामने वाला, ये ऐसा है, अब ये ऐसा निकला, ये नहीं करना है आपने, है ना। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। आई होप आप लोग को रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और यदि आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं जरूर उसका आंसर देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।